हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में हु एम आई कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हु एम आई कमांड का यूज़ क्या है। तो हु एम आई कमांड जो है, इट शोज द यूज़र नेम ऑफ करेंटली वर्किंग यूज़र नेम इन करेंट सेशन। तो जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करते हैं ओपन टर्मिनल से, तो ओपन टर्मिनल से लॉगिन करते ही हम करंट सेशन में चले जाते हैं। तो उस करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है, उस यूज़र का नाम जानने के लिए हम हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है कि यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है हु एम आई, और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है। तो ये बताएगा कि करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन है। अभी मैंने इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन नहीं किया है, तो ओपन टर्मिनल से मैं इस पे लॉगिन करूंगा और लॉगिन करते ही करंट सेशन में चला जाऊंगा और फिर हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट करके जो है मैं ये डिस्प्ले कराऊंगा कि करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है। तो ओपन टर्मिनल से लॉगिन करने के लिए जो है राइट क्लिक करना है, तो ये मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओपन टर्मिनल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब जो है इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन टर्मिनल से मैंने लॉगिन कर दिया है और अब मैं करंट सेशन में आ गया हूँ। तो अब मुझे जानना है कि इस करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मैं हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस ओपन टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ले जा करके सेट कर देता हूँ। अब इस करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है वो जानने के लिए मैं एग्जीक्यूट करूंगा हु एम आई कमांड। तो हु एम आई कमांड को मैंने टाइप कर दिया है और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो अनिल नाम का जो यूजर है वो अभी करंट सेशन में वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन टर्मिनल से जिस बंदे ने लॉगिन किया है और वो बंदा जो करंट सेशन में है, उस बंदे का नाम अनिल है। तो इस तरीके से हु एम आई कमांड को यूज करके हम जान सकते हैं कि करंट सेशन में कौन सा बंदा, कौन सा यूजर वर्क कर रहा है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे देखते हैं कि और क्या यूज है हु एम आई कमांड का। तो आगे जो यूज है वो है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हु एम आई कमांड वी कैन ऑल्सो यूज id-un फॉर द सेम पर्पस। तो हु एम आई कमांड को यूज करने की जगह पे हम id-un को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि id-un को यूज करके भी हम वही काम कर सकते हैं जो काम हम हु एम आई कमांड से करते हैं। दैट मीन्स कि हु एम आई कमांड जो है करंट सेशन में कौन सा यूज़र है उसका नाम डिस्प्ले करेगा, वही चीज़ हम id-un को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है id-un। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हु एम आई कमांड ने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराया है कि अभी करंट सेशन में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है। तो
तो अभी करंट सेशन में अनिल नाम का यूजर वर्क कर रहा है। यही काम हम id-un कमांड से भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए क्या टाइप करेंगे, id-un और एंटर प्रेस करेंगे, तो id-un से भी वही काम हो रहा है जो whoami कमांड से हो रहा था। दैट मीन्स कि अभी करंट सेशन में कौन सा यूजर है वो हम id-un से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था id-un का यूज, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्लियर कर दिया मैंने, अब नेक्स्ट देखते हैं कि whoami का नेक्स्ट यूज क्या है। तो नेक्स्ट यूज जो है, whoami कमांड गिव्स मोर डिटेल अबाउट करंट वर्किंग यूजर इन करंट सेशन। अब करंट सेशन में जो भी यूजर वर्क कर रहा है उस यूजर की थोड़ी सी और डिटेल्स हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, whoami कमांड को टाइप करना है। बट whoami कमांड को जब हम टाइप करेंगे तो इसके बीच में स्पेस रखेंगे, who के बाद स्पेस रखेंगे और m के बाद स्पेस रखेंगे, तो ये बताएगा कि करंट सेशन में जो भी यूजर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसकी और डिटेल्स क्या है। तो इसके लिए वही यूनिक्स या फिर लिनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हमें टाइप करना है whoami और इसके बीच में स्पेस देना है और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले whoami कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते ताकि हमें पता लग जाए कि करंट सेशन में कौन सा यूजर है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो करंट सेशन में अभी अनिल नाम का यूजर है। अब मैं इसकी डिटेल्स जानना चाहता हूं, तो मैं टाइप करूंगा who, इसके बाद स्पेस m, इसके बाद स्पेस और i। तो इसने डिटेल्स भी शो कर दिया यहाँ पे, अनिल नाम का यूजर है जो करंट सेशन में है, pts/1 इस वाले ओपन टर्मिनल से इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन हुआ है ये, और ये 26 अक्टूबर 2020 को ये लॉगिन हुआ है, 17:15 पे ये बंदा लॉगिन हुआ है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। तो बेसिकली whoami कमांड का ये सारा यूज था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।